ए दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपका अभय सिंह। मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे बहुत भीड़ है और बहुत चलता हुआ रास्ता है। मेरे साथ मेरा दोस्त चंद्रू और इस समय हम हैं सांसरी ब्रिज पे। पीछे का ब्रिज देख सकते हैं मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत चलता हुआ रास्ता है। हमने बाइक यहाँ लगा रखी है पर यहाँ उतना सही नहीं है, चलान भी कर सकते हैं। मेरे गंगा जी हैं। चलिए, आज का ब्लॉग बहुत खूबसूरत रहेगा क्योंकि मैं आज संगम को बहुत ही अलग तरीके से दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम घाट तक बाइक से जाएं, पर सुनने में आ रहा कि यहाँ पे बाइक को अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, इधर ही चलेंगे सर। बाइक अंदर अलाउड नहीं है क्या अंकल? बाइक अलाउड नहीं है क्या अंदर? भैया आने का मार। जाने के लिए किधर से जाना है? जाने के इधर। अच्छा अच्छा, संगम कहाँ जाना? देखिए, जो लोग बाइक से मतलब बाइक अंदर अलाउड नहीं है उनके लिए पार्किंग की सुविधा यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, अंदर जाने देते हैं कि नहीं अब यही पॉसिबल है यहाँ पे कि नहीं। जैसे लग तो रहा है कि अंदर जाने देंगे हमें ये लोग। जो ड्यूटी वाले हैं, जो हम लोग भी तो ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं भैया, वीडियो डालते हैं, कुछ भी हो लेकिन आप नहीं जा पाए। कोई और रास्ता बता दीजिए। नहीं और कोई रास्ता नहीं। कितने लोग अंदर से? सीधे सीधे पास ट्राली जाना है, सीधे आप जाइए, यहाँ से बंद है रोड। फाइनली हम आ चुके हैं कुम नगरी ब्रैक में। आपका हार्दिक अभिनंदन नंदन है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस समय आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरे बाइक पे, मेरे बुलेट पे। और बहुत सोर्स लगाना पड़ा भाई, एक भैया थे उनका कार्ड लगा के हम इतना अंदर बाइक से आ पाए हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं व्यवस्था यहाँ पे कितनी टाइट है। अरे वाह, ये कहाँ मिलेगा चंद्रू? अच्छा, बस पुलिसों के पास है क्या ये? संगम जाने के लिए ये रास्ता है। संगम से चला गया रास्ता, और हम लोग फाइनली संगम आ चुके हैं। संगम आपको जाने में दिक्कत हो रहा है तो ये देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं यहाँ पे, 38, 40, मतलब इसी से आप रास्ता जा सकते हैं। इतने बड़े मेले में आप भूलेंगे नहीं।
देखिए संगम जाने का मार्ग, ये देखिए यहाँ भंडारा है, भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे। और हम अब यहाँ बाइक अपनी पार्क करेंगे, ये मेरी बुलेट यहाँ पार्क होगी। वाह, और जल्दीबाजी में चंदू भाई मास्क भूल गए थे, अभी हमने ले लिया है। और हम चल रहे हैं अब संगम, और आज हम करेंगे बोटिंग। आप लोग मेरे साथ रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे साथ, काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग मेले में कहीं भूल जाएंगे रास्ता तो ये देखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लक्स कोजी 68 ऊपर लिखा है, 67 लिखा है, फोन नंबर से बता के आप मेले में आ सकते हैं। तो चंदू कहते थे कि माघ मेले में खो जाए आदमी, इतना मेला तगड़ा लगता है। तो वो इसी मेले की बात होती थी, ये कहावत है कि अरे भैया ये माघ के मेला में खोए थे, ये भाई अब मिले हैं। तो वो यही मेला है, कुंभ में भी ऐसा ही होता है, कुंभ का मेला, माघ मेला इतना भारी। इस समय कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं, ये तो इतना इतना भारी। मैं तो यहाँ पर 4 साल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सही बात है। अगर ऐसा सुविधा पहले नहीं रही होगी तो लोग गुम ही हो जाते होंगे, और कितने लोग यहाँ मिलते भी होंगे, अगले कुंभ में खोजते होंगे कि हाँ भैया हमारा भाई वहीं मिलेगा हमको। चलिए चलते हैं आगे, अब हम लोग चल रहे हैं बोटिंग करेंगे। सफाई का देखिए ध्यान कितना दिया गया, एक प्लास्टिक आप सिंगल प्लास्टिक यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए इसको कहते हैं बहुत साफ़ सुथरा घाट, और इसी तरह हमें बरकरार रखना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि बस मेला आया, मेले के बाद जैसे कि तैसे रखना है। ये देखिए यहाँ पर हर जगह वो रखा है, डस्टबिन रखा गया है। भाई साहब मिले थे हमको और कह रहे हैं 120 रुपया भाड़ा है, मैं डेली डेली चिक चिक के बोल रहा हूँ 60 रुपये भाड़ा है, और ये बता रहे हैं 120 रुपया भाड़ा है। नाम बताओ भाई कम से कम अपना, अब कितने में ले चलोगे हमें? आइए चलिए 60 रुपये। देखिए चेहरा दिखा दो भाई, अरे चेहरा दिखा दो। चलिए भैया कह रहे थे 120 रुपया पर पर्सन, मैंने इनको बताया कि भैया मैं 4-5 दिन में चिल्ला चुका हूँ, जान लीजिए सवारी बैठाएंगे, बैठा सवारी कौन सा हमें तेजी है, कौन सा हमें बनना है आईएएस पीसीएस, हमें तो बनना है ब्लॉगर। तो सब फोटो तो लेते रहिए, दो लोग अरे ले लेंगे, तुम्हारा फोटो वो जरूरी है मुझे, 120 रुपये चूना लगा रहे हो लोगों को है। यह महिलाओं के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, देखिए मतलब यहाँ तो मतलब इस पूरे हज़ारों लगाए गए हैं यहाँ से, तो सुविधा बहुत है, साफ़ सफाई देखिए यहाँ पे। पास में भाई गया वहाँ पे जो चूना लगा रहा था हमें, चूना उसका काम नहीं आया क्योंकि हमें तो मालूम है सब कुछ यहाँ पे। भैया कोई डूबेगा तो यही बाबा बचाएंगे आपको, ये देखिए यार तेरी की फैक्ट करेंगे सबका, बाबा यही बचाएंगे आपको, पर कब पहुँचेंगे ये ये नहीं मालूम है। बाकी पीछे का व्यू देखिए बहुत तगड़ा है, ये देखिए वाह बहुत ही तगड़ा। नहाने का व्यवस्था यहीं पे है, जो लोग नहा सकते हैं अभी हम चलेंगे। वाह बहुत ही सुंदर है, बड़ा है भैया 60 रुपये। अरे चलिए ठीक है, चल चलाएंगे, दोनों लोग हैं 60-60, 120 ना दो लोग का, दो लोग का यही भाड़ा है यहाँ का। हाँ भाई सवारी में चलेंगे ना। हाँ सवारी में चलेंगे, अभी एक लोग मांग रहे थे 120 रुपया, तो हम कहें भैया हम डेली यहीं आते हैं, डेली वीडियो डालते हैं, देश दुनिया को बता रहे हैं 60 रुपये भाड़ा है, 120 मांग रहे हमसे, तो हंस के भाग गया वो, तब से कह रहा आ रहा हूँ अभी तक आया नहीं। 60 रुपये। क्या नाम है भैया आपका? बंसन। हाँ बंसन, बंसन। हाँ अच्छा चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं भैया के साथ बोटिंग करने, चंद्रू भी इधर ही है। ठीक 105 के सामने आएंगे तो आपको यहाँ पे बोट की सुविधा मिल जाएगी, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं बोट में बैठने, भैया कह रहे हैं 250 में बुक कर देते हैं, आप ही दोनों को ले चलते हैं, पर सुबह से हम यहाँ पे आए हैं तो पैसा है नहीं उस हिसाब से, तो यही दिक्कत है।
पैसा भी कंप्लीट नहीं है, 105 रुपया ही देंगे भैया को। फाइनली हमने बोट कर लिया है 120 रुपये में, और ये बोट हमारा देख रहे हैं, ये भाई था वो जो 120 मांग रहा था। दोस्त ओए दोस्त, ये रहा। उसको रुके बुलाता हूँ अभी। ए तुम आए नहीं, अब ले लिए, खोज रहे तब से। और फाइनली हम बोट में बैठ चुके हैं और संगम के निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, ये देखिए पीछे भैया, आप जब फेंकेगा ना तो बगल में फेंकेगा। बहुत ही भैया फेंका, तू खींचा अमन के बहुत सही आए। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी देखिएगा। अभी हाथ से लेंगे, ये देखिए, ये देखिए, अभी देखते रहेगा। ये देखिए। हाथ देखिए। वाओ, खिलाड़ी मैं हूँ। वाओ, ये क्या एक्सपेरिमेंट, देखिए हल्का सा एक दो दाना गिरा के, ये देखिए। अभी एक एक्सपेरिमेंट देखिए भैया भी कर रहे हैं। और ये बैठ गई, अरे बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत तगड़ा। मैं करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, अभी ये बस देखिएगा। पूरा बैट ही खाएगी अभी कुछ देर में, देखिए ये देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लड़ाओ मत, नहीं डूब जाएगी ये, हम डूबते डूबते बच गए हैं। ये भैया रिस ना लो यार, पंडित जी ने तुम हगी दे ला ना ही आए तो हगी दे ला तू। अरे क्या हुआ भैया, क्या भाई क्या हाल है, ले तू खा ले, ले ले खा ले, ले 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 ले, अब ले ले, कितना तू आजा 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 आजा, ले 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 ले, फाइनली हम संगम पे आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप पीछे मेरे, ये देखिए पूरा पीछे देखिए, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे काफी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, वहाँ यहाँ सब एक ही बात है भैया, दिक्कत लगा दी है। देखिए उधर पानी हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा यहाँ पे। संगम यहाँ पे चौकी बानी गई है, यहीं पे लोग आके स्नान करते हैं संगम पे, ये देख सकते हैं आप लोग। अरे कुछ चला हो गए लोग, अरे 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 भाई डूब जाएगा यार हम लोग। उस साइड अरहेल घाट है, जो मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, वो उस घाट को मैंने कल दिखाया था, वो VIP घाट कहते हैं भैया उसको,
जो लोग मतलब वीआईपी लोग आते हैं उस पर दर्शन मतलब स्नान करते हैं। हाँ, क्योंकि वो रोड के एकदम करीब है ना, बहुत साफ सुथरा है वो। तीन नदी के मिलाप बात दुई नदी समझ गए लिए गंगा जी है। पचास रुपया एक राउंड का, एक राउंड का 50 रुपया। क्या चाहिए? और ये हाँ खुला है कि नहीं देखते हैं। अच्छे वट सर खुला है, कब खुलेगा फिर? कब से कब तक खुला रहता है? बंद हो गया। और ये अकबर का किला बंद है, कल हम घुमाएंगे इसमें। ये आप मेरे साथ रात्रि का दृश्य देख सकते हैं संगम का। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं डेली आपको दूर दूर से ही दिखा रहा था संगम, पर आज मैंने आपको एकदम पास से दिखाया नज़ारा। जो उस वीडियो में ग्रीन पानी था वो यमुना जी थी, और जो थोड़ा सा हल्का सा ब्लू था वो गंगा जी थी। तो चलिए, जिन भाई और बहनों ने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल रिंग ज़रूर दबाएँ जिससे आप हरदम अपडेट रहें मेरे वीडियो के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, हर हर महादेव।